In this episode, we'll be talking about the sales pitches that were pitched to you guys this week. And we'll be starting off with Hisham. Hisham, you suggested investing in agro fertilizer. So, can you elaborate on that? एंग्लो जो है वो पाकिस्तान की एक वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फर्टिलाइजर प्रोड्यूसिंग कंपनी है और इसका फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसकी अर्निंग्स वगैरह डिस्कस कर लेते हैं तो अगर अर्निंग्स देखी जाए एज कम्पेयर टू 2021 तो एक स्लाइड ड्रॉप आया है इसकी जो 2022 में रिपोर्टेड अर्निंग्स थी वो समवेयर अराउंड 11.22 थी और जो 21 में थी वो अराउंड 15 स्लाइड ड्रॉप बेसिकली उसका एक मेन रीज़न तो यही नज़र आता है जो अनसर्टेनिटी थी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इसकी वजह से ही थी क्योंकि नेचुरली ये कंपनी कैश रिच कंपनी है इस पर इतना इन्फ्लेशनरी और जो है वो आपका इंटरेस्ट रेट का प्रेशर वगैरह इतना ज़्यादा नहीं होता तो यही भरोसा लेते हुए इन्वेस्टर्स जो हैं वो इसमें इन्वेस्ट करते हैं और इवन कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जिनके पास 94-95 रुपीज़ तक के शेयर्स हैं सिर्फ वो सेल आउट नहीं करते और वो पैनिक नहीं करते क्योंकि उनको पता है ये कंपनी सस्टेन कर जाएगी दूसरा सबसे बड़ा इसके प्रोमिनेंट रिजल्ट इसका ये आया था कि हायर देन एक्सपेक्टेड इसने अपने डिविडेंड अनाउंस किया था तो मार्केट एक्सपेक्टेशन एक अनऑफिशियल एक्सपेक्टेशन चल रही थी 2.5-3 रुपीज़ और इसने डिविडेंड दिया था अराउंड 5 रुपीज़ विच वॉज वेरी गुड और इसकी वजह से हमें एक इनक्रेडिबल बूस्ट देखने को मिला इसकी शेयर प्राइस तो इसकी शेयर प्राइस जहाँ 75-78 ट्रेडिंग करती थी वो अभी जाके जो है विद इन अ फ्यू डेज 87-88 के अराउंड ये घूम गई इसके बाद जो है अभी जो रिसेंटली हमने देखा कि फ्लड वगैरह आए थे तो उसकी वजह से काफ़ी हमारे कैश स्टॉक्स और फील्ड पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था तो इनिशियली तो इसका हमें इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला लेकिन आगे हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि क्योंकि फार्मर्स की तरफ से यूरिया और फर्टिलाइजर की डिमांड बढ़ेगी उसकी वजह से जो है ईफर्ट को काफ़ी रेवेन्यू में अपना इंक्रीज मिल सकता है अब रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी ऑफटेक डेटा पे उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं तो ऑल दो पूरे सेक्टर का जो यूरिया सेल्स थी वो समवेयर अराउंड 5% रिड्यूस हुई थी लेकिन ईफर्ट जो है उसका ऑफटेक डेटा 10% इंक्रीज हुआ था विच मीन्स के ईफर्ट रिगार्डलेस ऑफ द अनसर्टेन इकोनॉमिक कंडीशंस वो सस्टेन कर रही है पर आगे लॉन्ग टर्म के लिए इस मुझे अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ठीक है थैंक यू सो मच शाम अच्छा आपने राहुल पिच किया था अटक रिफाइनरी में इन्वेस्ट करना तो आप उस पे थोड़ा सा व्यूअर्स को बताइए अगर कि क्यों स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है ये क्या है बेसिकली मैं जो है अटक रिफाइनरी का थोड़ा बता देता हूँ अटक रिफाइनरी इज द मोस्ट प्रोमिनेंट रिफाइनिंग सेक्टर दैट हैव कैपेसिटी ऑफ अराउंड 553.4K टन कैपेसिटी फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑयल्स सो बेसिकली अटक रिफाइनरी हैज just recently announced the results and which they announced profitability all high time profitability in terms of unka jo EPS aaya tha it was around 75.44 for 3 months or 144 for the 6 month jo abhi recently jo end hua hai December wala तो अगर उसको हम previous year के result के साथ compare करें it's almost around 9 times higher than the previous years so basically इनका जो results आया it is सिग्निफिकेंटली हायर और उसके अंदर जो हम मेजर पोर्शन देख रहे हैं अराउंड 15 रुपीज़ का जो EPS का इम्पैक्ट है वो है कैश का तो दिस कंपनी इज़ वेरी कैश रिच तो इसके ऊपर अभी मैं नेक्स्ट यही बताने वाला था कि रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने जो मॉनेटरी पॉलिसी इंक्रीज की है एंड इट हैज रेज्ड टू द 20% जिसका इम्पैक्ट इनकी जो ओवरऑल कैश में है वो पड़ेगा क्योंकि इनके पास इतनी कैश है तो ये जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर उतना ज़्यादा इनको जो है रिटर्न आएगा एंड अवर रिसर्च टीम है प्रोजेक्टेड अराउंड 82 रुपीज़ पर शेयर कैश के फॉर्म में जो है इनको पर शेयर फ़ायदा होगा जस्ट फ्रॉम दैट एक्स्ट्रा कैश इनकम और इसके अलावा जो अभी रिसेंटली बातें चल रही हैं रिफाइनरी पॉलिसीज की जिसमें जो है गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि टैक्स एग्जेम्पशंस और जो अपग्रेड्स किए जाएंगे उनको तो इनको ये फ़ायदा होगा कि अराउंड 8 बिलियन का इनको जो है ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ टैक्स उनको फ़ायदा होगा और उसके अलावा जो इनके लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको अपग्रेड करके उनको प्रॉफिटेबल कर सकते हैं तो ये दो बेसिक सी चीज़ें थी जो कि फ्यूचर के लिए हैं कि एक तो उनकी कैश साइकिल इज़ वेरी गुड एंड सेकेंडली दे अपग्रेडेशन पॉलिसी इज़ ऑल्सो गुड Thirdly, I would
to discuss about their overall technical outlook, how it has performed in their 1 year scenario. So it has gone up to around 183.55 and it has like a low of 114.35. और रिसेंटली जो अभी ट्रेड हो रहा है इट्स ट्रेडिंग अराउंड 168. तो अभी हमने इसका जो मेजर रेजिस्टेंस है दैट इज अराउंड 178 उसको हमने जो है चेक करना है कि अगर वो उसको ब्रेक कर लेता है देन इट विल लीड अप टू 183, 185 एंड टिल 200. तो हमने उसको वॉच आउट करते रहना है उसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट को, जो कि रेजिस्टेंस एरिया इज 178 एंड सपोर्ट एरिया इज अराउंड 156. सो दीज आर द बोथ एरियाज वेयर इन्वेस्टर नीड टू टेक केयर ऑफ to decide the that shift. And basically और हमारी research भी इसको cover करती है and they have given the target price of 343 rupees per share. That seems very much satisfying in terms of the potential it has. That is around 103% potential in terms of 1 year basis. So उस हिसाब से एक सिंपल good opportunity. थैंक यू सो मच राहुल. अब हम शिराज आपसे पूछना चाहेंगे, आपने पिच किया है फौजी सीमेंट, तो आप भी बिल्कुल इसी तरह अगर एलैबोरेट करें कि फौजी सीमेंट क्यों एक अच्छा ऑप्शन है टू इन्वेस्ट इस मंथ. जी, हमने इस वीक फौजी सीमेंट को जो हाईलाइट किया है, बेसिकली हाईलाइट करने का मकसद ये है कि पिछले अगर हम एक साल से देखें तो सीमेंट सेक्टर पूरा अंडर ड्यूरेस रहा है. बिकॉज हमने देखा है कि मुल्क में जो इन्फ्लेशन है वो बड़ी है, मुल्क में इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं. तकरीबन अब इस वक्त मुल्क में जो शरह सूद की सतह है वो 20% है. लास्ट वीक स्टेट बैंक ने 300 bps का इजाफा किया था, जो कि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा था. एंड उसके बाद अज्यूम यही किया जा रहा है कि आगे जाके सीमेंट्स में और डेप्रिसिएशन होगी उनकी प्राइसेस में. बट जो चीज़ नोट करने वाली ये है कि जो पैटर्न है सीमेंट्स कंपनी का ऑपरेशंस के हवाले से वो बहुत तब्दील हो चुका है. जो सिचुएशन एक साल पहले थी सीमेंट्स कंपनीज के लिए वो अब नहीं है, डिस्पाइट बीइंग के जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ गया है. वो इस वजह से कि कंपनीज ने पिछले एक सालों में बहुत कुछ सीखा, अपने ऑपरेशंस को तब्दील किया, एनर्जी इफिशेंसी पे ये गए. इन्होंने जो पहले इनकी जो एनर्जी सोर्स होती थी वो सिर्फ एक ही नेचर की होती थी, या मोस्टली थोड़ा बहुत अगर ये मिक्स भी क्रिएट करते थे तो सोलर से मिक्स क्रिएट करते थे. बट अब हर तकरीबन सीमेंट सेक्टर की तमाम कंपनीज जो एनर्जी मिक्स है उन्होंने डिफरेंट एनर्जी मिक्स ले ली. और कुछ कंपनीज तो ऐसी हैं कि अब वो नेशनल ग्रिड से बिजली ले ही नहीं रही बल्कि नेशनल ग्रिड को सप्लाई कर रही है बिजली. सो अब इनकी जो कॉस्टिंग है वो बहुत डिफरेंट हो गई है. दैट्स व्हाई मुझे लगता है कि अब ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है इसका कोई इतना खातिर का इम्पैक्ट नहीं आएगा. ऑल्दो के सेक्टर थोड़ा सा लेवरेज्ड है और इनकी बैलेंस शीट्स में लाइबिलिटीज़ का पोर्शन ज़्यादा होता है बिकॉज इनको बाकी सेक्टर्स की तरह कुछ सहूलतें नहीं होती और इतना इनके पास क्वेश्चन भी नहीं होता कि ये प्राइसेस पास ऑन करें. बट सिचुएशन अब इस वजह से चेंज हुई है कि हमने रिसेंटली जितने भी सीमेंट्स के रिजल्ट देखे अपार्ट फ्रॉम फौजी सीमेंट सबके रिजल्ट आए. फौजी सीमेंट का जो रिजल्ट आया वो बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आया था. तकरीबन मोर देन 5 billion की नेट प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी ने शो की, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है. सेकंड चीज़ ये है कि कंपनी ने इतने टफ टाइम्स में भी ऑलमोस्ट 28% के मार्जिन्स मेंटेन किए, टू बी प्रिसाइज 27.68 के मार्जिन्स मेंटेन किए, जो कि करंट सिचुएशन में अगर हम अच्छी अच्छी कंपनीज के भी देखें तो इतने मार्जिन्स किसी कंपनी ने मेंटेन नहीं किए. दूसरा ये है कि सीमेंट्स का डेटा ऑल्दो वी हैव सीन सम डिक्लाइन, बट फौजी सीमेंट को फ़ायदा ये है कि नॉर्थ की साइड पे इनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है. एंड अभी जो लेटेस्ट डेटा भी रिपोर्ट हुआ है वो यही हुआ है कि ऑल्दो देयर इज अ डिक्लाइन इन द सेल्स ओवरऑल बट नॉर्थ की साइड पे सेल्स बढ़ रही हैं. और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि आगे जाके नॉर्थ की साइड पे सेल्स और बढ़ेंगी बिकॉज जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो वहीं पर हो रहे हैं और वहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा अपार्ट फ्रॉम फ्यू प्लेयर्स फौजी सीमेंट को बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज इनकी जो रिटेंशन प्राइसेस हैं और जितनी इनकी पेनिट्रेशन है उस मार्केट में वो बाकियों के मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा बेहतर है. सो आई डू बिलीव के स्टॉक अंडर वैल्यू है. एंड लॉन्ग टर्म व्यू या शॉर्ट टर्म व्यू जिस भी व्यू के साथ आप इसको कंसिडर करना चाहें बिल्कुल बाय कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. आप हमें जरूर बताइएगा कि आपके क्या ख्याल आते हैं इस वीक की सेल्स पिक्स पे और आपको क्या लगता है कि कौन से स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे बेहतर इस वीक. थैंक यू.